वेलकम विद्यार्थियों, टॉपिक चल रहा था कारक और उसमें हमने तीन कारक पढ़ लिए थे, कर्ता, कर्म और करण। आज हम बात करते हैं संप्रदान कारक की। ये जो संप्रदान कारक है, इस सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सम धन प्रदान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है देना। संप्रदान के हमने टुकड़े कर दिए, सम धन प्रदान बराबर देना। संप्रदान हो गया बराबर, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वह है देना। संप्रदान जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? देना। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। संप्रदान कारक जो है, इसकी परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में कृता जिसे देता है, वाक्य में कृता जिसे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है, वाक्य में प्रयुक्त कृता जिसे देता है या जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, कहा जाता है। बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है इसकी। संप्रदान जो है सम धन प्रदान से बना है, इसके टुकड़े हमने कर लिए और इस संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। परिभाषा देखी हमने कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। अब ये जो संप्रदान कारक है, इसकी विभक्ति जो है, इसकी जो विभक्ति है वो कौन सी है? इसकी जो विभक्ति है वह है के लिए या को, के लिए और को। ये जो को है ये द्विकर्मक है, को जो है वो कौन सी है? द्विकर्मक। और के लिए जो है वो एक कर्मक है। तो इसमें हमने क्या देखा, परिभाषा में हमने क्या देखा? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसे देता है, जो करता है जिसको देता है या जिसके लिए कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। विभक्ति चिन्ह के लिए, के लिए और को जो है वो द्विकर्मक है। जब दान की भावना से किसी को कुछ दिया जाए, जब दान की भावना से किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ करने या देने की भावना हमारे अंदर प्रबल होती है, तो जिसके लिए कुछ दिया या किया जा रहा है उसे हम संप्रदान कहते हैं। उदाहरण देखते हैं कि जैसे रमाकांत अपने पिता के लिए फल लाया, जैसे नंबर वन उदाहरण देखते हैं, जैसे रमाकांत अपने पिता के लिए फल लाया। पहले एग्जाम्पल हमने देखा कि रमाकांत अपने पिता के लिए फल लाया। परिभाषा देखते हैं कि कर्ता जिसे देता है, कर्ता कौन है? रमाकांत। किसे दे रहा है? अपने पिता को। क्या दे रहा है? फल दे रहा है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस वाक्य में रमाकांत द्वारा फल लाने की जो क्रिया है वह की गई। रमाकांत है, क्या क्रिया कर रहा है? फल लाने की। रमाकांत जो है वो फल लाने की क्रिया कर रहा है। ऐसी स्थिति में पिता क्या है? पिता क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। पिता कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि परिभाषा में हमने क्या देखा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसे देता है, कर्ता कौन है? रमाकांत। और क्रिया क्या है? फल लाना, लाना फल लाना, ये क्या है? क्रिया है। परिभाषा हमने देखी, कर्ता जिसे देता है या जिसके लिए कार्य करता है। कर्ता जो है रमाकांत जो है वो क्रिया कर रहा है, कार्य कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? पिता के लिए।
तो उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। तो संप्रदान कारक का एक दूसरा है, द्विकर्मी में भी विभक्ति प्रयुक्त होती है। द्विकर्मी जो है इसमें को विभक्ति प्रयुक्त होती है। जो द्विकर्मी है उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? को विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे महेश ने दिनेश को पुस्तक दी, दूसरा है महेश ने दिनेश को पुस्तक दी। को जो है वो द्विकर्मक है या द्विकर्मी है, द्विकर्मक या इसको द्विकर्मी के नाम से भी अपन जान सकते हैं। को जो है वो कौन सी विभक्ति है? द्विकर्मी विभक्ति है। और इसका एग्जांपल हमने क्या देखा, महेश ने दिनेश को पुस्तक दी। इस वाक्य में दिनेश जो है वो संप्रदान कारक होगा। दिनेश जो है वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक होगा, क्योंकि दी जो क्रिया है द्विकर्मी है। दीव जो क्रिया है वो क्या है? द्विकर्मी है। तो इसलिए दिनेश, महेश ने दिनेश को पुस्तक दी, इसमें जो महेश है वो दिनेश जो है वो द्विकर्मी होगा। आगे अपने एग्जाम्पल आगे हम बात करते हैं संप्रदान और भी एग्जाम्पल की। जैसे पुलिस ने चोर को दंड दिया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि मेरिट में आने के लिए मेहनत करो। ये सारे के सारे जो है संपादन कारक के एग्जाम्पल हैं। अगला जो कारक है जिसका नाम है अपादान कारक। पांचवा जो कारक है उस कारक का नाम है अपादान कारक। पांचवा जो कारक है अपादान कारक। पांचवें नंबर का जो कारक है अपादान कारक है। अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। इसका अर्थ होता है अपादान का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। अपादान कारक जो है उसका अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का अलग होना पाया जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, हमने क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहेंगे। उसे अपादान कारक कहा जाता है। इसका जो विभक्ति चिन्ह है क्या होगा? इसका विभक्ति चिन्ह होगा से। अपादान कारक का अर्थ होता है पृथक होना या अलग होना। परिभाषा हमने देखी, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना या पृथक होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहा जाता है। और इस अपादान कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वह है से। जैसे एग्जाम्पल देखें,
पेड़ से पत्ते गिरते हैं, जैसे नंबर वन, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान कारक का उदाहरण है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, यह क्या है? पेड़ क्या है? संज्ञा है। इससे अलग कौन हो रहा है? पत्ता हो रहा है। तो इसमें अपन क्या देखेंगे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि इस वाक्य में पेड़ से पत्ते अलग होते हैं। इसमें पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ते जो हैं अलग हो रहे हैं, इसलिए पेड़ क्या है यहां पे? अपादान कारक। अपादान कारक की परिभाषा हम देख रहे हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए, तो संज्ञा है पेड़, और इस पेड़ से अलग कौन हो रहे हैं? पत्ते हो रहे हैं। गिरना क्या है? क्रिया है, तो उसे अपादान कारक कहेंगे। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें हमने देखा कि पेड़ जो है संज्ञा है, इससे अलग होने का जो भाव है पत्तों में है, और क्रिया क्या है? गिरना। तो पेड़ जो है वह अपादान कारक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। दूसरा देखें कि गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय पर्वत से। आगे हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, सरोज कुत्ते से डरती है। और चौथा जो है, बच्चे माता पिता से ही संस्कार सीखते हैं। अगला देखें कि बच्चे माता पिता से ही संस्कार सीखते हैं। इन सारे के सारे जो एग्जाम्पल है उसमें अपादान कारक आता है। इसमें विद्यार्थियों एक विशेष बात याद रखने की आवश्यकता होती है, एक विशेष बात। वो विशेष बात क्या है वो देखते हैं कि करण कारक और अपादान जो कारक होता है, दोनों का विभक्ति चिन्ह जो होता है वो से होता है। करण कारक का और अपादान दोनों का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह से होता है, परंतु करण कारक जो होता है उसमें उसका प्रयोग से के द्वारा होता है, और अपादान जो कारक होता है उस कारक में से का जो प्रयोग होता है वो अलग होने के अर्थ में होता है। यही इसमें एक मुख्य अंतर होता है। छठवां जो कारक है वह है संबंध कारक। छठवां जो कारक है, छठवें नंबर का जो है वह है संबंध कारक। संबंध कारक की अपन अब देखते हैं परिभाषा। इसकी अपने परिभाषा की बात करें कि शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताएं, कि शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम के, इसमें हमने क्या देखा कि शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताएं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध बताएं, संबंध कारक, संबंध कारक कहा जाता है। हमने परिभाषा देखी कि शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए, संबंध कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है, इसके विभक्ति चिन्ह की बात करें कि का के की, का के की, रा रे री, गागेगी, नानेनी नानेनी,
संबंध कारक के बारे में देखा कि शब्द का वह रूप जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताए संबंध कारक कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह में देखा काके की रारे री नाने नी। अब अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। जैसे नंबर वन की बात करें कि यह बालिकाओं का विद्यालय है, यह बालिकाओं का विद्यालय है। इसमें हमने बात की यह बालिकाओं का विद्यालय है, तो इस वाक्य में बालिकाओं का विद्यालय से क्या है, संबंध है। इसमें बालिकाओं का विद्यालय से क्या है, संबंध है, इसलिए बालिकाओं का बालिकाएं जो हो गई वो संबंध कारक हो गया बालिकाएं। इसमें बालिकाओं का किससे क्या संबंध है, विद्यालय से, तो बालिकाएं क्या हो गई, इसमें संबंध कारक हो गई। अगला एग्जाम्पल अपन देखा श्रत राम के पिता थे। अगला पॉइंट देखें अजय की पुस्तक गुम हो गई है। अगला जो पॉइंट है कि अजय की पुस्तक क्या हो गई है, अजय की पुस्तक गुम हो गई, अजय की पुस्तक गुम हो गई है। विजय अजय का भाई है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं संबंध कारक के। अगला जो कारक है वह है अधिकरण कारक। सातवां जो कारक है, कारक का नाम है अधिकरण कारक। सातवें नंबर पे आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, परिभाषा हमने क्या देखी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक उसको कहा जाता है अधिकरण कारक कहा जाता है। विभक्ति चिन्ह है में पे और पर। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वह क्या है कि में पर या में पे पर, ये क्या है इसका विभक्ति चिन्ह है। अब अधिकरण कारक की परिभाषा हमने देखी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है अधिकरण कारक कहा जाता है। जैसे नंबर वन एग्जाम्पल की बात करें कि वृक्ष पर मोर बैठा है। वृक्ष पर कौन बैठा है, वृक्ष पर मोर बैठा है। इसमें क्या है कि वृक्ष पर मोर बैठा है, या फिर दूसरा एग्जाम्पल है आकाश में वायुयान उड़ रहा है। दूसरा है आकाश में वायुयान उड़ रहा है। दो एग्जाम्पल हमने देखे कि वृक्ष पर मोर बैठा है, आकाश में वायुयान उड़ रहा है। बैठा है यह क्या है, क्रिया है। बैठा है क्या है, यह क्रिया है। और इसका आधार क्या है, इस क्रिया का आधार क्या है, वृक्ष है। कि वृक्ष पर मोर बैठा है, जैसे यह जैसे कोई भी मकान है, मकान का आधार क्या होता है, नींव होती है। उसी प्रकार बैठा है इसका आधार क्या है, वृक्ष है। एग्जाम्पल में हमने देखा कि वृक्ष पर मोर बैठा है,
तो बैठा है क्या है, क्रिया है, और इस क्रिया का आधार क्या है। इसमें भी हमने देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, तो इस बैठा है ये तो क्या हो गई, क्रिया, और इसका आधार क्या है, वृक्ष। इसी प्रकार इसमें भी देखें कि आकाश में वायुयान उड़ रहा है, उड़ रहा है ये तो क्या है, क्रिया हो गई, और इस क्रिया का क्या आधार हो गया, आकाश। तो इसमें हमने क्या देखा, उड़ रहा है क्या है, क्रिया है, और क्रिया का जो आधार है वह है आकाश। इस प्रकार आकाश में और वृक्ष पर अधिकरण कारक है, इस प्रकार आकाश में और वृक्ष पर ये दोनों के दोनों कौन से कारक हैं, अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक की परिभाषा में हमने क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है, तो वृक्ष और आकाश संज्ञा है, बैठा है और उड़ रहा है क्रिया है, तो क्रिया के आधार का बोध, क्रिया का आधार क्या है, वृक्ष और आकाश, तो इसमें वृक्ष पर और आकाश में क्या है, अधिकरण कारक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, बालक कुर्सी पर बैठा है। जैसे तीसरा एग्जांपल देखें, बालक कुर्सी पर वही बात इसमें आती है, बैठा है ये क्या है, क्रिया, और इस क्रिया का आधार क्या है, कुर्सी। क्रिया का जो आधार है वह क्या है, कुर्सी है, इसलिए कुर्सी कौन सा कारक हो गई, अधिकरण कारक हो गई। इसमें कुर्सी जो है वो कौन सा कारक हो गई, अधिकरण कारक हो गई। तो विद्यार्थियों, अधिकरण कारक के हमने एग्जाम्पल देखे, वृक्ष पर मोर बैठा है, आकाश में वायुयान उड़ रहा है, बालक कुर्सी पर बैठा है। आगे हम देखें अन्य उदाहरण देखें, डाकू घर में घुस गए, नरेश छत पर नहीं जाता है। अगला और लास्ट का जो कारक है वह है संबोधन कारक। आठवां जो कारक है वह है संबोधन कारक। आठवें नंबर का जो कारक है संबोधन कारक, संबोधन कारक की परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए, या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को पुकारा जाए, बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, उसे संबोधन कारक कहा जाता है। इसका विभक्ति चिन्ह देखते हैं, विभक्ति चिन्ह देखते हैं, इसमें है हे, अरे, ओ, अजी। हे, अरे, ओ, अजी, ये सारे के सारे इसके विभक्ति चिन्ह हैं। जैसे नंबर वन की बात करें, हे ईश्वर मेरा पोता कहां गया, हे ईश्वर मेरा पोता, हे ईश्वर मेरा पोता कहां गया। वैसे इसमें संबोधन चिन्ह भी होता है, वैसे देखते ही जान जाएंगे हम कि हे ईश्वर मेरा पोता कहां गया। अगला एग्जाम्पल देखें कि हे भगवान अब तो मेरी मदद करो,
दूसरा देखें, हे भगवान अब तो मेरी मदद करो। अगला एग्जाम्पल अपन देखें कि ओ बेटा एक गिलास पानी पिला दो, अरे तुम यहां भी आ गए। अरे चौथा देखें, अरे तुम यहां भी आ गए, अरे तुम्हें यहां भी आ गए। और अंत का जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं, पांचवा जो एग्जाम्पल देखते हैं वो देखते हैं कि अजी सुनते हो घर में आटा नहीं है, अजी सुनते हो घर में आटा नहीं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं संबोधन कारक के। तो विद्यार्थियों आज का जो पॉइंट था कारक वो यहीं समाप्त होता है। अगली क्लास में हम एक दूसरे व्याकरण के टॉपिक के साथ फिर से उपस्थित होंगे।